इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है कोलार। कोलार का नाम सुनते ही सबसे पहले सोने की खदानों का ख्याल जहन में आ जाता है। कर्नाटक घूमने आने वाले सभी पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो सोने की खदानों वाले क्षेत्रों की सैर जरूर करें। ये स्थान अंग्रेजों के शासन में सोने की खदानों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। उस जमाने में ये शहर एंग्लो इंडियंस के अलावा इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के निवासियों का घर हुआ करता था। सन 2003 में इन गोल्ड फील्ड्स को बंद करा दिया गया था। किसी जमाने में अपनी गोल्ड माइंस के लिए प्रसिद्ध कोलार शहर कर्नाटक में स्थित सबसे प्राचीन और प्रमुख जगहों में से एक है। ये शहर एक समृद्ध इतिहास लिए हुए है। प्राचीन काल में यह शहर पश्चिमी गंगा वंश के शासकों की राजधानी हुआ करता था। पश्चिमी गंगा वंश भारत में प्राचीन कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसने 350 से 1000 ईस्वी तक यहाँ राज किया था। कोलार को पश्चिमी गंगा साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। बाद में इस साम्राज्य ने तलकाड़ु को अपनी राजधानी बना लिया। साथ ही पश्चिमी गंगा वंश के संबंध ही पूर्वी गंगा वंश ने काफी समय तक कलिंगा पर राज किया। बादामी के चालुक्य वंश के उदय के बाद गंगा राजाओं ने चालुक्य साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। फिर उन्होंने चालुक्यों की तरफ से कांची के पल्लव वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कोलार नगर में कई मंदिर हैं, लेकिन कोलार प्रदेश की देवी को समर्पित कोलारम्मा मंदिर की अहमियत ज्यादा मानी जाती है। माता कोलारम्मा को देवी पार्वती का रूप माना जाता है। ये मंदिर अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार का है। द्रविड़ विमान वास्तुशैली में बना ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण चोला साम्राज्य ने करवाया था। इस मंदिर पर ग्रेनाइट के पत्थरों पर की गई नकाशी और मूर्तियां देखते ही बनती हैं। ग्रेनाइट के पत्थरों पर चोला साम्राज्य के शिलालेख भी मिले थे। मंदिर के अंदर कन्नड़ और तमिल भाषा में लगभग 30 शिलालेख मिले हैं। इस मंदिर की दूसरी देवी हैं चेल्लम्मा, जिन्हें बिच्छुओं की देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि चेल्लम्मा देवी की उपासना करने से बिच्छू के काटने से बचा जा सकता है। कोलार में ही स्थित है 14वीं सदी का सोमेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में बेहतरीन नकाशी की गई है। ये मंदिर विजयनगर शैली में बनाया गया है। कोलार पहाड़ी से शहर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। सोने की खदानें, खूबसूरत मंदिर और सुनहरा इतिहास, यानी कोलार शहर कल भी मालामाल था और आज भी शानो शौकत से सराबोर है।